नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। डेकन हेरल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जेडीएस के प्रदेश अध्यक्ष एचडी कुमारस्वामी से कहा है कि प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े कथित यौन शोषण के कारण क्षेत्रीय पार्टी के साथ भाजपा का गठबंधन प्रभावित नहीं होगा। इस रिपोर्ट को शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट कर कहा है कि महिलाओं को न्याय दिलाने में सबसे आगे हैं गृह मंत्री, नहीं वोट पाने के लिए सबसे आगे हैं मंत्री जी। उत्तर से लेकर दक्षिण तक भाजपा का एक ही काम, महिलाओं को प्रताड़ित करना, आरोपियों को सुरक्षित रखना। विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेता लोकसभा चुनाव में हर चरण के बाद पूर्ण मतदान प्रतिशत के आंकड़े तत्काल जारी करने की मांग को लेकर बृहस्पतिवार को चुनाव आयोग से मुलाकात करेंगे। सूत्रों ने बताया कि विपक्षी नेता भाजपा के अपने चुनावी अभियान में कथित तौर पर धार्मिक प्रतीकों के इस्तेमाल का मुद्दा भी उठाएंगे। इससे पहले और दूसरे चरण के मतदान प्रतिशत को लेकर भी कांग्रेस ने सवाल उठाए थे। अडानी अंबानी मुद्दे को लेकर पीएम मोदी के आरोपों पर राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री घबरा गए हैं। उन्होंने सीधे पीएम को संबोधित करते हुए कहा, नमस्कार मोदी जी, थोड़ा सा घबरा गए क्या? नॉर्मली आप बंद कमरों में अडानी जी अंबानी जी की बात करते हो, लेकिन पहली बार पब्लिक में अडानी अंबानी बोला। उन्होंने आगे कहा, आपको ये भी मालूम है कि टेम्पो में पैसा देते हैं, क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है? एक काम कीजिए, सीबीआई ईडी को आप इनके पास भेजिए ना, पूरी जानकारी लीजिए, इंक्वायरी करिए, जल्द से जल्द कराइए, घबराइए मत मोदी जी। राहुल गांधी के इस ट्वीट को रीट्वीट कर योगेंद्र यादव ने लिखा है, नहरे पे दहला। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि मैं बनारस में पीएम मोदी को वोट देने से इनकार करने वाले राष्ट्रवादी वोटर्स का समर्थन करता हूं। मैं भाजपा कार्यकर्ता उम्मीदवारों को वोट देने का समर्थन करता हूं। क्यों? क्योंकि मोदी ने अप्रैल 2020 से चीन को बेशर्मी से लद्दाख की 4064 वर्ग किलोमीटर जमीन हड़पने की इजाज़त दे दी है और झूठ बोला है कि कोई आया नहीं, लद्दाखियों को भेड़ चराने से वंचित कर दिया गया। बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटाए जाने पर आकाश आनंद ने प्रतिक्रिया दी। आकाश आनंद का कहना है कि मायावती पार्टी के सर्वसम्मान्य नेता हैं और उनका फैसला स्वीकार है। आकाश आनंद ने कहा कि आदरणीय बहन मायावती, आप पूरे बहुजन समाज के लिए एक आदर्श हैं, करोड़ों देशवासी आपको पूछते हैं, आपके संघर्षों की वजह से ही आज हमारे समाज को एक ऐसी राजनीतिक ताकत मिली है जिसके बूते बहुजन समाज आज सम्मान से जीना सीख पाया है। आकाश आनंद ने कहा, आप हमारी सर्वमान्य नेता हैं, आपका आदेश सिर माथे पे, भीम मिशन और अपने समाज के लिए मैं अपनी अंतिम सांस तक लड़ता रहूंगा। राजदीप सरदेसाई के ब्रजभूषण का लिए इंटरव्यू का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। इसमें राजदीप पूछते हैं कि मोदी जी अभी आपके नेता हैं क्या? तो ब्रजभूषण कहते हैं, हाँ हैं। फिर राजदीप पूछते हैं कि योगी जी अभी आपके नेता हैं? इस पर ब्रजभूषण कहते हैं, मोदी जी हैं, योगी जी पर जो मन लगाना हो लगा लीजिए। लोग इसको शेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इसी से आपको यूपी की राजनीति समझ जाना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि काफी समय पहले ही कहा था कि ये व्यक्ति योगी जी के खिलाफ चाणक्य का मोहरा है, जिससे देवीपाटन मंडल में उनके प्रभाव को काटा जा सके। उन्होंने भी योगी सरकार के विरुद्ध खूब बयानबाजी की है, मगर केंद्र की शह पर बचे हुए हैं, अन्यथा अब तक नाप दिए जाते। बाकी लोग भी इस वीडियो को शेयर कर काफी कुछ कह रहे हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने बुधवार को रायबरेली में ताबड़तोड़ रैलियां की। इस दौरान प्रियंका गांधी नुक्कड़ सभाएं भी कर रही थी और गली गली भी घूम रही थी। रायबरेली में बुधवार को उन्होंने 12 जगह नुक्कड़ सभाएं की। रात में होने वाली एक सभा में प्रियंका गांधी ने गाड़ी पे खड़े होकर लोगों को संबोधित किया। दरअसल उनकी सभा के दौरान लाइट नहीं थी, माइक नहीं चला, लेकिन इस समस्या ने भी प्रियंका गांधी के हौसले को कम नहीं किया। उन्होंने बिना माइक के गाड़ी पर चढ़कर लोगों को संबोधित किया। कार्यकर्ता नीचे मोबाइल की टॉर्च चलाकर खड़े रहे। प्रियंका का ये वीडियो वायरल हो रहा है। महाराष्ट्र के अमरावती से बीजेपी सांसद नवनीत राणा के बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। AIIMM ने सीधे बीजेपी पर हमला किया है और चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की है। AIIMM प्रवक्ता बारिश पठान ने कहा कि चुनाव के बीच इस तरह के बयानों से दो समुदाय में तनाव बढ़ सकता है। बता दें कि अमरावती से सांसद नवनीत राणा ने बुधवार को हैदराबाद में बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता के समर्थन में चुनाव प्रचार करने पहुंची थी। नवनीत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में राणा को कहते हुए सुना जा रहा है कि 15 सेकेंड के लिए पुलिस हटा लो, ओवैसो भाइयों को पता नहीं लगेगा कि वो कहां से आए और किधर गए। राणा ने कहा कि एक छोटा और बड़ा भाई है, छोटा बोलता है कि पुलिस को 15 मिनट के लिए हटा दो तो हम दिखाएंगे कि क्या कर सकते हैं।
छोटे को मेरा कहना है कि तेरे को 15 मिनट लगेंगे और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड पुलिस को हटाया तो छोटे बड़े को पता नहीं लगेगा कि कहां से आए और कहां गए। सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे हम लोगों को। बीजेपी नेता नवनीत राणा के 15 सेकंड लगेंगे वाले बयान पर कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और अमित शाह समाज में नफरत फैला रहे हैं और स्वाभाविक है कि उनका कार्यकर्ता और उम्मीदवार भी ऐसा ही करने जा रहे हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी ने जो कहा वो भी गलत है और नवनीत राणा ने जो कहा वो भी बेहद शर्मनाक है। इस सभी पीएम मोदी के इशारे पर देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं क्योंकि पीएम मोदी ये चुनाव बुरी तरह हार रहे हैं। मैं ऐसा अनुरोध जारी करूंगा कि चुनाव आयोग से कि दोनों बयानों की जांच होनी चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं आपको बार बार कह रही हूं, असदुद्दीन ओवैसी सीधे तौर पर बीजेपी के साथ काम कर रहे हैं। जहां जहां भी बीजेपी को दूसरी पार्टियों को पीछे धकेलने के लिए किसी को मैदान में उतारने की जरूरत होती है वो ऐसा कर रहे हैं। ये हो गया है तेलंगाना चुनाव में, ये बहुत स्पष्ट हो गई है बात। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को केंद्र सरकार ने स्वीकार किया कि वो सीबीआई को राज्यों में जांच के लिए भेजती है। इस खबर को द हिंदू अखबार ने अपने पहले पन्ने पर प्रमुखता से छापा है। सीबीआई के कथित दुरुपयोग को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार ने याचिका दायर की हुई है, जिस पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने ये बात स्वीकार की। पश्चिम बंगाल सरकार का आरोप है कि राज्य के अधीन आने वाले मामलों में एकतरफा रूप से सीबीआई को भेजकर केंद्र हस्तक्षेप करता है। जेजेपी के नेता दुष्यंत चौटाला ने दावा किया है कि नायब सिंह सैनी की सरकार अल्पमत में आ गई है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में 2 महीने पहले जो सरकार बनी थी वो अल्पमत में चली गई है। सरकार को समर्थन देने वाले 2 विधायक इस्तीफा दे चुके हैं। 3 विधायकों ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया है और राज्यपाल को इस बारे में पत्र भी लिख दिया है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जेजेपी ने खुलकर कहा है कि अगर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आता है तो हम बाहर से अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। हमने राज्यपाल को भी लिखा है, राज्यपाल के पास फ्लोर टेस्ट बुलाने का अधिकार है। कांग्रेस को यह कदम उठाना है। सरकार जो अल्पमत में आ चुकी है उस पर कांग्रेस के 30 और विपक्ष के लोग राज्यपाल को लिखकर भेजें। संयुक्त राष्ट्र की प्रवासन एजेंसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन का कहना है कि साल 2022 में भारत को दुनिया भर से $111 अरब की धनराशि मिली है। एजेंसी के मुताबिक भारत $100 अरब के आंकड़े को पार करने वाला पहला देश बन गया है। ये पैसा प्रवासियों ने भारत में अपने दोस्तों या परिवारों को भेजा है। आज ट्विटर पर केएल राहुल ट्रेंड कर रहे हैं। लोग लिख रहे हैं कि एलएसजी के मालिक संजीव गोयनका ने एलएसजी के बुरी तरह हारने पर केएल राहुल से अपमानजनक व्यवहार किया। धन्ना सेठ गोयनका खेल भावना भूल गए। बड़ी बड़ी हार के बाद भी आज तक किसी मालिक ने ऐसी बेहूदगी हरकत नहीं की, लानत है। मंजू नाम के ट्विटर यूजर लिखते हैं, मित्रों ये तहजीब वाला पुराना लखनऊ नहीं है, ये नया लखनऊ है, बुलडोजर बाबा वाला। पत्रकार मानु गुप्ता ने कहा कि संजीव गोयनका जी आप बड़े आदमी हैं, अरबपति हैं, एलएसजी के मालिक हैं, लेकिन आपको कोई हक नहीं कि इस तरह देश के एक बड़े खिलाड़ी का सरेआम अपमान करें। आईपीएल में खिलाड़ी टीमों को अपने खेल बेचते हैं, इज्जत नहीं। कुछ लोग लिख रहे हैं कि राहुल को तत्काल प्रभाव से लखनऊ टीम छोड़ देनी चाहिए आत्मसम्मान के खातिर। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चेतावनी दी है कि अगर इसराइल गजा के रफा में कोई बड़ा अभियान शुरू करेगा तो अमेरिका कुछ हथियारों की सप्लाई बंद कर देगा। बाइडेन ने कहा कि अगर इसराइल रफा की ओर आगे बढ़ता है तो हम वो हथियार सप्लाई नहीं करेंगे जो कि रफा जैसे शहरों के साथ निपटने के लिए मुहैया करवाए जाते रहे हैं। हालांकि बाइडेन ने कहा है कि वो ये सुनिश्चित करेंगे कि इसराइल पूरी तरह से सुरक्षित रहे। बता दें अब तक अमेरिका की चेतावनियों के बावजूद इसराइल ने रफा में आगे बढ़ने की और जोर दिया है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।